नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। साल के आखिरी 5 दिन क्या बदलाव आएगा, आपके पर्सन क्या फील करेंगे आपके लिए, और क्या चेंजेस, ठीक है, और क्या ब्लेसिंग्स, जो कुछ भी यहाँ पर एनर्जी आएगी मैं आपको बताऊंगी। देखते हैं फिर हमें क्या एनर्जी यहाँ पर मिलती है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपको कर देना है लाइक, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है। आई होप आपने लाइक कर दिया है। देखते हैं अगले 5 दिन क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोचने वाले हैं, क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले तो एक बात बता दूं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते कि आपके पर्सन हो सकते कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है, कोई ट्रैवल या तो आप कर सकते हो, या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आपके पर्सन हो सकते हैं ट्रैवल करके आपके पास आए, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत अट्रैक्शन आपके पर्सन को बढ़ने वाला है। एक ऐसे होते हैं ना कि जो मैनिफेस्ट किया है, बहुत दिल से किया, बहुत मतलब विश्वास के साथ मैनिफेस्ट किया, फल मिलने वाला है उसका। ये अगर आपकी एनर्जी है कि अगर आप इस इंसान को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। यहाँ पर बातचीत होती दिखाई रही है, कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, दूरियाँ कम होते हुए दिखाई दे रही हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ हैं वो कम होगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। हो सकता है इंसान हमेशा बातों को इग्नोर करता रहा, ठीक है, आपने इस इंसान को कमिटमेंट मांगा, आपको इग्नोर किया गया। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने बातों को बहुत टाला है, ठीक है, मतलब जब भी आपने इस इंसान से मिलने की बात की, मुझे यहाँ पर बहुत लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन को भी एक एहसास होगा कि साल खत्म होने को आया है लेकिन बातें कुछ ठीक नहीं हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप साल भर झगड़ते रहे मतलब कोई बात नहीं थी ऐसी, कोई वजह नहीं थी ऐसे, लेकिन झगड़ते रहे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने जैसे आपका सुकून, आपका चैन छीन लिया था, पूरा साल इस इंसान ने आपका सुकून छीना है। गाइस, आप बेफिक्र हो जाइए, जिसके जैसे कर्म उसका हिसाब तो होगा, ठीक है, ऊपर वाला हिसाब करता जरूर है। अगर आपका सुकून छीना गया है, किसी को दुख देकर कोई भी खुश नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि पूरा साल बीत गया, इस इंसान ने बहुत आपको परेशान करके रख दिया, ठीक है, इतना परेशान किया कि आप खुद हैरान थे कि हो क्या रहा है आपके साथ, झगड़े कर रहा था, हो सकता है कि टारगेट कर रहा था आपको, ठीक है, किसी के साथ मिलकर इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, मतलब आपने बहुत अपमान सहन किया है, इतना अपमान हुआ है आपका। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका बहुत ज्यादा अपमान किया है इस इंसान ने, और अपमान झेलने की जैसे अब आपको आदत सी हो चुकी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब आदत पड़ गई आपको अपमान झेलने की, और यही कला है। जब तक इंसान को अपने अपमान से फर्क पड़ेगा ना, तो चीजें कुछ ठीक नहीं होने वाली। जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन से आप ग्रो करना शुरू हो जाओगे। क्योंकि देखो, जो इंसान सक्सेसफुल होगा इस दुनिया में, आसान है क्या सक्सेसफुल होना भी? जब इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसको ताने पड़ते, ये तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, इससे क्या होगा। जब सक्सेसफुल होता है तो सबकी नजर में आ जाता है, मतलब जिंदगी आसान नहीं है। चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आप सक्सेसफुल ना हो, जिंदगी किसी भी मोड़ पर आसान नहीं है। तो कुछ ऐसे हालात हैं कि आपने बहुत पीड़ा सही है, पूरा साल किच 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 चलती रही है इस इंसान की, इसने आपको सुकून से जीने नहीं दिया। ईश्वर देखते हैं ना सब कुछ ईश्वर जब सुकून छीन लेंगे ना तब पता चलेगा, जब इस इंसान के ऊपर गुजरेगी ना तब पता चलेगा उसको किसी का सुकून छीनना क्या होता है, किसी को दर्द, किसी को पीड़ा देना क्या होता है। तो जब गुजरेगी तब पता चल जाएगा। अभी तो एक अकड़ में है, अभी भी है,
लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसे भी होना चाहिए कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, एक एक ऐसा ख्याल इस इंसान के मन में आएगा कि साल के आखिरी दिन है, साल ख़त्म होने को है, वो आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं, कम से कम आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश वो कर सकते हैं। ठीक है, मुलाकात होना ना होना ये वक्त पर है। ठीक है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है तो कैसे मुलाकात होगी, लेकिन कोशिश करने वाले हैं। जो इस इंसान ने बर्ताव आपके साथ किया है, एक जस्टिस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक इस इंसान के जो ख्याल है ना वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस इंसान को एक बात तो समझ आएगी कि उसने आपको इतना दुख दिया, ठीक है, फायदा क्या हुआ। जिसके भी पर्सन, ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जिसके भी पार्टनर ने उसको दुख दिया और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने इतने एफर्ट डाले, इतनी एनर्जी वेस्ट की, इतने दिन बर्बाद किए अपनी जिंदगी के आपके पीछे, आपको दुख देने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो इसके एफर्ट तो सारे खाली चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क ही नहीं पड़ा। तो इतनी मेहनत तो पानी में गई ना, इतनी मेहनत की रात दिन, ओ माय गॉड, रात दिन मेहनत की कि आपका सुकून छिना जाए, आपको दर्द हो, आपको पीड़ा हो, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हो आज। तो इतनी मेहनत तो पानी में गई ना, पूरा साल पूरे साल भर की मेहनत पानी में गई है, ओ माय गॉड। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि बहुत झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, इस इंसान ने आपकी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आने वाले जो 5 दिन हैं, आपके पर्सन को एक गजब का अट्रैक्शन तो फील होगा ही होगा, लेकिन जिस तरह से वो खींचाव फील करेंगे आपके तरफ, जिस तरह से उनका मन करेगा आपसे मिलने के लिए, ये आपकी अच्छाई का ही तो नतीजा है। इस इंसान को एहसास होगा कि उसने कितना दर्द दिया, कितनी तकलीफ दी, आपके दिल में आज भी उसके लिए जगह है, आज भी आप उस इंसान से प्यार करते हो। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट में चले गए हो आप, ये इंसान, ये जो साल का आखिरी दिन है, ये आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है आप दोनों के रिश्ते में। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इनकी मदर की वजह से रिश्ता खराब हुआ है आप दोनों का। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इनकी मदर की वजह से कुछ रिश्ता खराब हुआ, या तो इनकी मदर ने शादी के लिए इनकार कर दिया, कुछ तो ऐसी बात हो सकती है। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि इनका कोई अपना इस इंसान ने खोया है। ठीक है, कोई नज़दीकी कोई इंसान इसने खोया है, कोई ऐसी तकलीफ इस इंसान ने झेली है, या इनकी मदर का कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं कर सकता। डेफिनेटली गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस इंसान ने आपको पीड़ा, जो दर्द दिया है ना, ये किसी किसी के लिए तो बस वही कर्मा पलट के आने वाला है। ओके, होकर रहेगा ये। तो यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक सैडनेस की एनर्जी में, ठीक है, एक क्या होता है ना कि इंसान कभी कभी इतना अकड़ में चला जाता है कि दूसरों की भावनाओं को भी नहीं समझ पाता। जिंदगी में कभी भी इतना भी प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरों के दुख और दर्द में भी आप शामिल ना हो पाए, और इतना भी इमोशनल नहीं बनना है आपको कि लोग आपको बेवकूफ बना जाए। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, हो सकते है कि आप बहुत इमोशनल हो रहे थे और ये इंसान बड़ा प्रैक्टिकल हो रहा था। कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, ज्यादा इमोशंस में कभी कभी गलत डिसीजन आपने लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने जो आपको इंतजार करवाया है, इस इंसान को एक एहसास तो होगा कि अगर वो अब देर करेगा तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, शायद आप कभी दोनों मिल ही ना पाओ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि या तो आपके पर्सन की शादी का कुछ चल रहा है हो सकता है, या आपके घर में शादी की बातें हो रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इन्वेस्ट तो वो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन। जैसी एनर्जी यहाँ पर आई है ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी से भी गुजर रहे हो सकता है। इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया है, या इनकी मदर थर्ड पार्टी है, या इस इंसान के खुद के थॉट्स थर्ड पार्टी है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के साथ ये इंसान ऐसा है जो आपको हमेशा कंपेयर करता है खुद के साथ, खुद के साथ कंपेयर करता है। कंपेयर करने में इंसान एनर्जी वेस्ट करता है दूसरों के साथ। दूसरों के साथ कंपेयर करना ये ना खुद का इंसल्ट करना है,
क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को यूनिक बनाया है, ईश्वर ने हर किसी को बहुत स्पेशल बनाया है, बहुत खास बनाया है। और अगर ये इंसान हमेशा दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करता है तो ये खुद का ही इंसल्ट कर रहा है। अब तक ये इंसान ना अपनी इनर वॉइस सुन रहा था, ना आपके बारे में कुछ सोच रहा था, ना इस इंसान को आपकी अच्छाई दिखाई दे रही थी, ना इस इंसान को कुछ बातें जो आप एड्रेस करते आए हो, जो कॉम्प्रोमाइज करते आए हो, आपने इस इंसान के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितने दुख कितना दर्द झेला है, क्या क्या बीती है आपके ऊपर, ये इंसान जानता ही नहीं है। इस इंसान को सिर्फ दर्द और पीड़ा देना आता है, दूसरों की दर्द और पीड़ा जानना नहीं आता है। ये दूसरों को सिर्फ दुख दे सकता है, और जिस दिन इसके ऊपर बीतेगी ना, इसको पता चलेगा गाइस कि दर्द और पीड़ा होता क्या है। कोई जीने नहीं दे रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, सुकून छीन रहा है आपका, तो क्या पीड़ा होती है, क्या दर्द होता है। अब हम देखते हैं कार्ड से आखिरी 5 दिन क्या एनर्जी हमें मिलती है। फटाफट लाइक कर देना है आपको, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है। देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर कार्ड से, क्या एनर्जी आती है। यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, मेरे जो व्यूअर्स हैं अगले 5 दिन किस एनर्जी में रहेंगे। 5 ऑफ सोर्स, दी लवर्स, क्या बात है, पॉलिटिक्स हुआ है आपके साथ, प्ले अराउंड वाली सिचुएशन, कोई भी ऐसा छल कपट इंसान कर सकते कि आप उनसे मुलाकात करें, कम से कम आप उनसे बात करें। इस इंसान की सुई अटक जाएगी उस बात पर कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। इतने दिन तो बहुत इसने दर्द दिया आपको, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि मेंटली टॉर्चर करके रख दिया इस इंसान ने आपको। यहाँ पर ना आप दोनों के रिश्ते में कोई चमचे हो सकते हैं, जो चमचे इस इंसान की बातें सुनते हैं और फिर आपको टारगेट करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, या आपके खिलाफ कुछ भी बकवास करते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ, इस रिश्ते में चमचे हैं। चमचे की खासियत क्या है, वो जिस बर्तन में रहेगा वो उसी को खाली करेगा। तो ये जो लोग हैं इसके पास है, जो इसको गलत राय दे रहे हैं, जो गलत सलाह दे रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं या आपके खिलाफ कोई अफवाह फैला रहे हैं, ये इसी को बर्बाद करेंगे एक दिन, ये होकर रहेगा। तो इसको समझना चाहिए कि ये किसकी बात सुन रहा है, क्यों सुन रहा है। चमचे हो सकते हैं इस रिश्ते में, और प्यार तो है इस इंसान को, क्या है ना कि इतना ज्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, इसलिए कभी आपके बारे में ऐसा क्या होता ना कि फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है, मतलब हमेशा आपको ऐसा सोचा इस इंसान ने कि आप कहाँ तो जाओगे आप, ठीक है, इतना प्यार करते हो, कहाँ जाओगे इस इंसान को छोड़कर। ऐसे वाले एनर्जी में आपका पर्सन रहा है, आपका पर्सन आपसे मिलना चाहता है। कुछ लोग तो ऐसे कि अगर कोई इस रिश्ते में विरोध करने वाला है, ठीक है, मतलब हो सकता है किसी किसी के लिए कि कोई नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता बने, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों की मुलाकात हो, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों बात करें, तो ये इंसान डंके की चोट पर आपसे मिलने के लिए आएगा, डंके की चोट पे आपसे बात करेगा। कुछ ऐसे वाले एनर्जी यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को जो इतने दिन बोझ फील हो रहा था, एक बर्डन सा, देखो इतनी छलकपट जो आपके साथ किए हैं तो बर्डन तो फील होगा, बोझ तो होगा दिल पर। आपके पर्सन उस बोझ को उतारना चाहते हैं, जो दिल पर बोझ बना है अपनी गलतियों का, जो आपको तकलीफ दी, जो आपके साथ गलत किया, उसका जो बोझ उसके दिल पर है ना, वो उस बोझ को उतारना चाहता है, अब नहीं रहना चाहता वो उस बोझ तले, वो दबना नहीं चाहता है। हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन ने आज तक जो भी गलत बर्ताव किया है आपके साथ, हो सकता है कि ऊपर से इस इंसान को प्रेशर कर रहा था, कोई इस इंसान को गलत बातें भर रहा था, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो अगर ऐसा कुछ था, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, तो ये इंसान उस दबाव से बाहर निकलेगा, उस कंट्रोल से वो निकल जाएगा बाहर, वो उस बोझ को उतारना चाहता है। उसे जो गलत किया आपके साथ वो बताना चाहता है आपको, हर चीज़ वो समझाना चाहता है आपके कि उन्होंने जो बर्ताव किया वो क्यों किया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप तक इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, तो ये किसी के दबाव में आकर किया हो या किसी की बातों में आकर किया हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि दबाव बहुत बढ़ जाता है, बातों में आ जाता है तो गलतियां कर जाता है। ऐसे वाले एनर्जी है, ये इंसान उस बोझ को उतारना चाहता है, दिल पर कोई बोझ है, और वो बोझ कब उतरेगा, जब वो आपसे बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर आपके पर्सन इतना ज़्यादा कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे मैसेज करने की, बात करने की, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई कुछ तो
कोई तो ऐसा इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है कि वो बात ना कर पाए आपसे, ठीक है। कोशिश तो बहुत ज़्यादा, इसको क्लैरिफाई करते हैं हम, ठीक है। बात करना चाहते हैं तो रिवर्स क्यों है, देखो अहमियत जान पाएंगे, आपकी वैल्यू को समझ पाएंगे आपके पर्सन। यूनिवर्स प्लीज बताइएगा यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स क्यों है, नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्स, गाइज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने जो गलतियां की हैं तो सच्चाई के साथ वो न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एहसास भी होगा कि जब वो आपसे बात करेगा तो एक झगड़ा तो हो ही सकता है, लेकिन कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। आप सच्चाई चाहते हो और सच्चाई उजागर होगी, बिल्कुल होगी, सच्चाई छिप नहीं सकती छिपाने से, सच्चाई उजागर होगी, सच्चाई सामने आएगी। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स रिवर्स इसलिए आया था कि इंसान बात तो करना चाहता है लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डर भी होगा कि वो जब भी बात करेगा उसको आपको जस्टिस देना पड़ेगा, उसने आपके साथ जो गलत किया है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गलतियाँ, इंसान से गलती एक बार होती है, रोज रोज गलती नहीं करता इंसान, रोज रोज जो गलतियाँ करते ना वो जानबूझ कर करते हैं। एक बार गलती में कुछ गलती हो गई, लेकिन जो बार बार करे वो गलती नहीं होती, ठीक है। तो एक तो ये एक डर भी इस इंसान के मन में रहेगा, तो उसको जस्टिस तो आपको देना पड़ेगा। प्यार तो है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, इस इंसान के दिल में प्यार है। पता नहीं ऐसी क्यों ये हरकतें करता है, पता नहीं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि सच्चाई उजागर होगी, इस इंसान ने अगर आपके साथ छल कपट किया, आपको जो पीड़ा जो दर्द दिया, ये इंसान सच उगल देंगे आपके सामने कि क्यों किया, किसके कहने के ऊपर किया, किसने बताया इसको कि आपके साथ गलत व्यवहार करे, किसने बोला, अगर किसने अफवाह फैलाई तो क्यों, क्यों फैलाई अफवाहें, क्यों झूठ बोला गया आपके बारे में, क्यों। कोई सच्चाई उजागर होने वाली है, ठीक है। और ये इंसान बोलेंगे आपको जो इन्होंने गलतियां की हैं, कबूल करेंगे अपनी गलती को, ठीक है। दी लवर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में अफवाहें फैलाई गई है, आपके बारे में झूठ बोला गया है, आपको नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, आपका अपमान किया गया है, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्स है, किसी के साथ मिलकर इसने कोई ऐसे काम किए जो आपके दिल पर बहुत चोट लगी है, बहुत हर्ट हो गए हो आप। यह हमेशा ढिंढोरा पीटता है, और इसने जो ढिंढोरा पीटा, इसने जो आपके पीठ पीछे बातें बोली, इसको रिग्रेट होगा, डेफिनेटली होगा। ये बात है, फिर बहुत पीड़ा सही है आपने इस इंसान की वजह से। विश्वास रखो उस यूनिवर्स के ऊपर, विश्वास रखो उस सुप्रीम पावर के ऊपर, ठीक है। जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। कभी कभी ज़िंदगी में तूफान भी आने ज़रूरी हैं, तभी तो पता चलता है ना कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है। और ये जो तूफान आते हैं, जो संकट आते हैं, आपको लगता है डर कि अरे ये संकट आया अब क्या करें, लेकिन संकट ही मजबूत बनाते हैं हमें। अगर ज़िंदगी में संकट ही नहीं आएंगे तो मजबूत कैसे बनेंगे, ठीक है। इस 2022 ने तो मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है, इतना स्ट्रांग बना दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ 2022 के। मैं ज़िंदगी पर शुक्रगुजार रहूँगी कि इस साल ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया। इतने स्ट्रांग बन गए ना गाइज, मैं आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब देखते हैं गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है बॉटम में। नंबर 5, नंबर 10 खास हो सकता है आपके लिए, नंबर 1 खास हो सकता है, नंबर 6 खास हो सकता है आपके लिए। और क्या है देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। कुछ घटनाएं जिंदगी में ऐसी होती है जो जिंदगी चेंज करके रख देती है, बदल देती है, सब कुछ बदल जाता है, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पर भी आई है। तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है, सबसे पहला ही कार्ड। अब ये देखो ईश्वर की क्या कृपा है, जो करेगा वो भरेगा। तो जिसने भी गलत किया, जो कुछ भी आपके ओरल लाइफ में, जिसने भी आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपके लिए एक संदेश दिया जा रहा है कि आपको खुद के मन में जो भी हजारों ये थॉट्स जो चल रहे हैं आपके दिमाग में, बहुत सोचते हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो ना, बहुत करते हो, ये जो हजारों ख्याल आपके मन में है, जो हजारों थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं, अगर ये नेगेटिव है
तो इसको निकाल के फेंक देना है आपको। आपको ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में आना है। ये जो नर्वस ब्रेकडाउन की सिचुएशन में आप चले गए थे ना, आपको ब्रेक थ्रू के सिचुएशन में आना है गाइस, और आपके साथ जस्टिस होगा। जिसने भी जहां पर भी जैसे भी आपके साथ गलत किया है, आपके साथ न्याय होकर रहेगा। ईश्वर आपके साथ है। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे जो स्टक हो गए हो अपने लाइफ में, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो आप। ऐसी क्या बात है जो आपने इतना स्टक कर लिया है खुद को? देखो गाइस एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आपको हारना नहीं है ठीक है, तो आपको चलते रहना पड़ेगा। कछुए की चाल से ही, और कछुआ ही जीतता है ठीक है, खरगोश नहीं जीतता। जो दौड़ लगाता है दो दिन, और ऐसे खरगोश कभी जीतते नहीं है, जीतता तो कछुआ ही है। तो धीरे धीरे चलते रहो, चलना पड़ेगा आपको। आप रुक नहीं सकते, आप हार नहीं सकते। आप हार के लिए नहीं बने हो, आप जीतने के लिए बने हो, और जीतना पड़ेगा आपको। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है ठीक है। स्टेबिलिटी आनी चाहिए आपके लाइफ में। कुछ लोग यहाँ पर आलसी बन रहे हो, आलसपन निकाल फेंको। इस आलसपन की वजह से आप खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेकर आ पा रहे हो। इस आलस की वजह से एक होता ना कि बहुत ज़्यादा मन में उदासी छाई है, कुछ कुछ काम करने को मन नहीं करता आपका। ऐसे तो नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो एनर्जी यहाँ पर है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में अब आने वाला है। जो आपको अब तक लग रहा था कि चारों तरफ जैसे अंधेरा है, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये रास्ते खुलेंगे। ईश्वर आपको खुद रास्ता दिखाएंगे। आप चलने की हिम्मत रखो, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, हिम्मत के साथ चलते रहना है। ईश्वर रास्ता दिखाएंगे ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है, आलसपन तो आप में आया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कुछ काम तो करना चाहते हो, लेकिन 5 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट बात करेंगे, ऐसा कर करके पूरा दिन निकल जाता है आपका। नहीं, ये आलस नहीं चलेगा और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होने वाली है, ढेर सारा बदलाव आने वाला है, जिस बदलाव के लिए आपको रेडी रहना है, तैयार रहो। बहुत कुछ खास लेकर आने वाला है 2023 बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है 2023, तैयार रहो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओके? तो ये एनर्जी यहाँ पर है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।